हाँ बच्चों, आइए आज जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे की व्याख्या देखते हैं। कैकेयी ने शपथ लिया, और जब कैकेयी शपथ लेती हैं तो उनके शपथ लेते समय प्रजा में विद्यमान, सभा में विद्यमान प्रजा के जो भी लोग थे उस समय, उनके बड़े बुजुर्ग, माताएं, ऋषि, सब ने मना किया, नहीं ऐसा मत बोलो। तो कैकेयी ने उनको मना करते हुए कहा, ठहरो ठहरो, मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। कहा कि मुझे इस बात के लिए, मुझे ऐसा कहने के लिए रोकिए मत, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनिए, पहाड़ जैसा पाप अपने जीवन में करके मैं शांत रह जाऊँ, उसके प्रायश्चित के लिए उसके बदले में मैं राई बर यानी रच मात्र भी पश्चाताप न करूं, ये कैसे संभव है। इसके आगे की व्याख्या देखते हैं। थी सनछत्र शशनिसा ओस टपकाती, थी सनछत्र शशनिसा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। थी सनछत्र शशनिसा, रात्रि कैसी थी, चांदनी रात्रि, चांदनी चंद्रमा की चांदनी से व्याप्त रात्रि जो थी वो ओस टपका रही थी। यहाँ ओस के माध्यम से मानो गुप्त जी व्यक्त क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि उन्हीं ओस तुहिन कणों के माध्यम से मानो प्रजा शांत भाव में रुदन कर रही है। रोती थी नीरो प्रजा, मूक अवस्था में मानो प्रजा शांत होकर के रुदन कर रही है, हृदय थपकाती हृदय को सांत्वना देते हुए। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, उस पूरे वातावरण में, उस सभा में रानी कैसे दिखाई दे रही थी, अपने विचारों से प्रदीप्त होती हुई, जैसे उल्का पिंड, जैसे कोई उल्का पिंड अपने परिधि से भटक जाता है और परिधि से भटक करके वह इधर उधर ज्वलंत रूप में भटकता रहता है, लोगों में भय उत्पन्न करता रहता है कि जहाँ गिरेगा वहाँ ये विध्वंस कर देगा, उसी तरह से अपने इन्हीं ज्वलंत विचारों के कारण रानी उस सभा में उल्का पिंड की भांति प्रतीत हो रही थी, और सब में भय विस्मय, सब में डर, आश्चर्य और दुख उत्पन्न कर रही थी। आइए थोड़ा देखते हैं कि गुप्त जी ने दुख, भय, विस्मय और खेद का शब्द, खेद शब्दों का सामंजस्य क्यों बनाया, भय क्यों उत्पन्न हो रहा था। भय उत्पन्न इसलिए हो रहा था कि अचानक जो कुटिल बन करके राम को वन भेजा, पति का, पति कि मृत्यु का कारण बनी, वही अचानक बदल कैसे गई और राम को पुनः अयोध्या वापस चलने के लिए कह रही है। विद्वानों ने, एक बिहारी ने एक लाइन लिखा है कि बुरो बुराई जौ तजौ तौ चित खर्यो डरात, जौ निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। बुरा व्यक्ति अपने बुराई का कोई भले ही त्याग दे, लेकिन जो चतुर लोग हैं वो फिर भी भयभीत तो होते रहते हैं उसके उस रूप से। चंद्रमा निष्कलंक भी अगर कभी हो जाता है, चंद्रमा में देखिए एक धब्बा दिखाई देता है, अगर चंद्रमा निष्कलंक भी कभी हो जाता है तो चंद्रमा की निष्कलंकता में भी लोग कोई न कोई माने बुराई का ही रूप देखते हैं कि शायद ये प्रकृति का कोई बुरा संदेश है जो चंद्रमा अचानक इस तरह निष्कलंक हो गया। ठीक उसी तरह कैकेयी जो हैं अचानक से बदल गई, अचानक से श्री राम को बन जाने के लिए कह रही, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न हुए। दूसरा विस्मय, आश्चर्य, कैसे हो गया ये, कैकेयी जैसी कुटिल हृदय वाली अचानक कैसे बदल गई, अचरज है। और खेद, दुख इस बात का है कि अगर कैकेयी ने ऐसा न किया होता तो शायद उस कौशल साम्राज्य का इतना दुर्दिन न आता।
इसलिए सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। फिर कैकेयी जी क्या कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अपने को दोषी ठहरा रही हैं कैकेयी जी, प्रायश्चित कर रही हैं, यहीं से वो प्रायश्चित करना शुरू करती हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मरी का मतलब तुच्छ है, मरी का मतलब मरी हुई नहीं है, यहाँ मरी का मतलब है तुच्छ, वह तुच्छ मंथरा दासी क्या कर सकती थी। एक जिसका अस्तित्व घर में चेरी का है, परिचारिका का है, वह किसी महारानी को बदल दे ये संभव नहीं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, कहा मेरा ही मन मेरा विश्वास पात्र नहीं हो सका। इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है, यहाँ पूरी तरह से दोषी मैं हूँ। इस पद्यांश से बच्चों शिक्षा क्या मिलती है, जीवन में तुम्हें कभी कोई भी कितना भी बहकाए, तुम्हें कितना भी मोटिवेट करे, तुम्हें किसी भी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, लेकिन निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की। विवेकानंद जी ने एक बात कहा था कि कितना भी विद्वान व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन क्यों न कर रहा हो, लेकिन उस मार्ग पर चलने के पहले हमें मार्ग का अवलोकन कर लेना चाहिए। इसलिए हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, कोई कितना भी मुझे कुछ कह रहा है, लेकिन सुन लो, गुन लो, उसका अनुशीलन कर लो, फिर जो उचित हो वही कदम उठाओ। ठीक है, अगर किसी के बहकावे में आके अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से वह निर्णय हमारे जीवन के लिए घातक होगा। इसीलिए कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजरगत अरे अधीर अभागी। अपने मन को धिक्कारती हुई महारानी कैकेयी कह रही हैं कि जल पंजरगत अरे अधीर अभागी, हे मन तू अधीर रहा, अभागा रहा, मन में धैर्य नहीं रहा, इसलिए उसको अधीर कह रही हैं, और इतना सारा दुर्दिन देखने को मिल रहा है इसलिए अभागा कह रही हैं। कहा है अभागे मन, ऐ अभागे और अधीर मन, तू हमारे इसी अस्थि पंजरगत शरीर में अब जल, प्रायश्चित की अग्नि में जल, पश्चाताप की आग में जल। क्यों? क्योंकि ये जो ज्वलित भाव हैं, ये जो ज्वलित भाव है जिससे पूरा कौशल साम्राज्य प्रभावित हुआ है और जिस आग में जल रहा है, ये ज्वलंत भाव तुझ में ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए ऐ मन तू अब इस शरीर में पश्चाताप की आग में जल। जल पंजरगत अरे अधीर अभागे, ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागी। पर क्या था, केवल ज्वलित भाव ही मन में। फिर कहती हैं राम से कैकेयी, हे राम, ये ज्वलित भाव जो मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है, क्या बेटा ये ज्वलित भाव ही मेरे मन में था? इस ज्वलित भाव के अलावा क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? मेरे इस शरीर में, मेरे इस हृदय में इस ज्वलित भाव के अलावा कुछ शेष नहीं था? कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। हे राम, मेरे हृदय में जो तुम सब लोगों के प्रति, तुम चारों भाइयों के प्रति जो वात्सल्य है, जो वत्सलता है, उस वत्सलता का कोई मूल्य नहीं है। केवल इसी ज्वलित, यही ज्वलित भाव ही प्रधान है, और हमारे हृदय में जो भी भाव है उसका कोई महत्व नहीं है। शायद इसीलिए तो मेरा पुत्र मेरे साथ अन्य जैसा व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, फिर कह के पश्चाताप, अपने को दोषी कहती हुई कह रही हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई कुछ कह सके कहे क्यों चूके। हे राम, इस मुझ कह के ही को, मुझ जैसी अभागन को, तीनों लोक में जो कोई कुछ कह सके कहे,
जितना मेरा अनादर, जितना मेरा तिरस्कार, जितना मेरी अवमानना, जितनी मेरी भत्सरना लोगों को करना हो करे, लेकिन एक विनती मैं आपसे करती हूँ, तुमसे करती हूँ कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। हे राम, मेरी कितनी भी भत्सरना कर दी जाए, मेरी कितनी भी अवमानना कर दी जाए, लेकिन भरत की माता होने का पद मुझसे न छीना जाए। लोग भले ही हमको गाली दें, लेकिन ये जरूर कहें कि भरत जैसा श्रेष्ठ पुत्र जन्म देने वाली कैकेयी ही थी। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। हे राम, इसके अलावा मैं तुमसे और क्या मांगूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नृदेह धारण करने वाले संसार में सब लोग यही कहते आए हैं क्या, कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र, भले ही संसार में पुत्र कुपुत्र भले हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती। हम दुर्गा सप्तशती में जब क्षमा अपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़ते हैं, वहाँ भी एक श्लोक आता है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, पुत्र कुपुत्र तो हो जाता लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य देखिए कि अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, मुझ पर ब्रह्मा इतने रुष्ट हो गए, मेरे इतने विपरीत हो गए कि सब अब यह कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र तो पुत्र ही बना रहा लेकिन माता ही कुमाता हो गई। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, मृदु हृदय न देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज हाय या बाधा। बच्चों, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, इसलिए आज तक आज की व्याख्या यहीं तक, कल इसकी विस्तृत व्याख्या करके हम आपको प्रस्तुत करेंगे। ओके।